आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित में। मैं हूं प्रभात मिश्रा, आ गया मैं फिर से एक नया वीडियो लेके। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा गजब होने वाला है। पैनी स्टॉक की बात कर रहा हूं, उसमें बहुत बड़ी खबर आ गई है, जिस स्टॉक में रॉकेट लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंट्राडे कॉल्स की। तो इंट्राडे कॉल्स में देखिएगा, यूनियन बैंक का टारगेट दिया गया था 52:30 का, और देखिएगा हमने कब दी थी कॉल, तो 9:16 पे कॉल दी थी। अगर आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं हमारे वीडियोस के नीचे जाके। तो यस बैंक की इंट्राडे की कॉल दी थी, सॉरी इन्होंने इंद्रजीत जी को उन्होंने क्या दी थी, यूनियन बैंक की कॉल दी थी, 52:30 का टारगेट दिया था 9:16 पे, और 9:25 पे हमारी कॉल क्या हो गई थी, अचीव हो गई थी। तो इसी तरीके के इंट्राडे की कॉल चाहिए, डिलीवरी के फ्री स्टॉक चाहिए, बढ़िया माल कमाना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवाइए और जितनी चाहे उतनी कॉल्स ले जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो वीडियो में बात करेंगे आज एक बहुत बड़ा, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने इस स्टॉक पे अभी 4 दिन पहले ही स्टॉक यानी कि 1 रुपए पे लाए कर रहा था। स्टॉक कितने रुपए पे लाए कर रहा था, 1 रुपए पे लाए कर रहा था, और अब तक इसमें कम से कम 20% के रिटर्न दे दिए हैं, 1.25 रुपए के आसपास ये लाए कर रहा है आज, ठीक है। तो देखिएगा मैंने बताया था कि यूनिटेक का मैनेजमेंट जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आना था, सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली गई थी कि उसका जो मैनेजमेंट है वो केंद्र सरकार को दे दिया जाए। तो यहां पर देखिएगा साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार को मिली यूनिटेक की प्रबंधन की कमान। तो देखिएगा और सेवानिवृत्त जज करेंगे निगरानी। तो देखिएगा ये बहुत बड़ी खबर है, यूनिटेक का स्टॉक 1.25 रुपए पे लाए कर रहा है। तो समझिएगा बात को पूरा कि जो यूनिटेक है एक पूरी रियल एस्टेट कंपनी थी, एक समय पर ये कंपनी बहुत बूम पे होती थी और धीरे 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 कंपनी बिल्कुल एकदम खोखली हो गई। और अब क्या हुआ था, इनको यानी कि जो 12,000 जो यूनिटेक के यानी कि जो बायर्स थे, होम बायर्स थे, उनको जो परेशानी थी, उनके घर पूरे नहीं करके दिए जा रहे थे, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूरा मैनेजमेंट का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, अनुमति दे दी है। देखिए साफ साफ लिखा है अनुमति दे दी गई है, और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गठित करके, ठीक है, और इस पे पूरे तरीके के निर्देश भी आपको दे दिए गए हैं। अब देखिएगा सबसे पहले जो मेन हाईलाइट पॉइंट्स है मैं वही बता रहा हूं आपको। तो देखिएगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और MR शाह की पीठ ने क्या कहा था, यूनिटेक का प्रबंधन केंद्र सरकार को देते हुए नए बोर्ड ऑफ को प्रोजेक्ट को पूरा करने की रूपरेखा के बारे में 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यानी कि क्या हुआ है, जो जस्टिस थे जो उन्होंने क्या जो सुनवाई करी, तो उसमें ये बताया है कि 2 महीने के अंदर, ठीक है, एक पूरा प्री प्लान मैप तैयार करके बताएं कि वो किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। इसमें से कुछ इनमें से NBCC के पूर्व CMD AK मित्तल को भी इसमें क्या करा गया है, और कई सारे लोगों को नाम दिए हुए आपको देख रहे होंगे कि इनको भी शामिल करा गया है ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की उसमें लिस्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपका ये स्थिति कब तक रहेगी, यानी कि कहता है स्थिति सामान्य होने तक कोर्ट करेगा निगरानी। यानी क्या होता है, आप जब तक यानी कि क्या होता है ये चीज़ पूरी कंप्लीशन नहीं, मतलब यानी कि कोर्ट को ये लगने नहीं लगेगा कि आपका जो ये गवर्नमेंट सही से काम कर रही है, मैनेजमेंट यूनिटेक का सही से संभाल रही है कि नहीं संभाल रही है, तो उस समय तक वो निगरानी करेगा। और जैसे स्थिति सामान्य हो जाती है, जैसे कि आपका दिख ही रहा होगा कि पीठ ने कहा इस फैसले का मकसद घर खरीदारों को हित में अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनी पर पेशेवर बोर्ड को नियंत्रण का अधिकार देना था। यानी कहता था इस मैनेजमेंट को बनाने का इंटेंशन ही ये है कि ताकि जो 12,000 जिन लोगों को घर नहीं मिला है उनको कंप्लीट कराए जाएं प्रोजेक्ट और उन्हें घर सौंपे जाएं। तो अगर ये काम सही से चलता है तो ये स्थिति सामान्य होने तक कोर्ट इसकी निगरानी करता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। स्टॉक में देखिएगा अभी भी अपर सर्किट लगा हुआ है, तो आपको समझना क्या है कि ये स्टॉक के बाद इसके बाद स्टॉक में काफ़ी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो पहले ही बताया था स्टॉक में मोमेंटम देखिएगा, अभी बायर्स की काफ़ी लिस्ट लग रही है, अभी शायद में भी होता है कि कल परसों से इसमें ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी, तो हमने सोचा आप लोगों को बता दें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।